हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेबी कॉर्न चिली विथ हुनान चिली गार्लिक के साथ में। अब यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बेबी कॉर्न लिए हैं और इसको अभी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको पीसेस में कट कर लिया है। अब यहाँ पे पानी में इसको बॉईल करेंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए। जब ये बॉईल हो जाए तो इसको हम स्ट्रेनर में निकाल देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। अब इसमें 3 टेबलस्पून मैदा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, साथ में थोड़ा सा नमक, काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटी चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट, विनेगर और पानी डाल करके इसकी हमें स्लरी रेडी करनी है। बहुत ज्यादा पतला नहीं रखेंगे इसे। अब इसे अच्छे से कोट कर लेंगे और यहाँ मीडियम गर्म ऑयल में हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं। अब यहाँ पे बेबी कॉर्न फ्राई हो गए, इसे हम निकाल लेंगे और पैन में ऑयल डालेंगे। अब इसमें कट करके अदरक लहसन और मिर्च ऐड करेंगे, व्हाइट वाली प्याज ऐड की है, स्प्रिंग ऑनियन की, कैप्सिकम ऐड करेंगे और स्प्रिंग ऑनियन के पत्ते, काली मिर्च पाउडर और यहाँ पे मैंने हुनान का चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सा आता है और ये बहुत ही फ्लेवरफुल है। सारे स्पाइसेस का बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी चाइनीज रेसिपी के टेस्ट को दुगना कर देगा। और इस सॉस की हेल्प से आप इंस्टेंट रेसिपी भी बना सकते हैं चाइनीज में कोई भी। अब इसमें मैंने केचप, विनेगर और साथ में थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर दिया है और उसी के साथ मैं यहाँ पे हुनान का ब्लैक पेपर सॉस भी यूज कर रही हूँ। और ये सॉस भी बहुत अच्छे से टेस्ट को एनहेंस करता है क्योंकि इसमें सारे स्पाइसेस का बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है और इसका भी टेस्ट फ्लेवर ऑथेंटिक है। अब यहाँ पे मैंने स्टॉक वाटर ऐड किया है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे पानी में मिक्स करके और उसी के साथ यहाँ पे ये बेबी कॉर्न हम ऐड कर देंगे। अब इसे 1 मिनट कुक करेंगे और यहाँ पे हमारा बेबी कॉर्न चिली रेडी है, वो भी हुनान के बहुत ही अच्छे से सॉसेस के साथ में।